नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज निचोर। शुक्रवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस पर डालते हैं एक नजर। भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील पर साइन कर दिए हैं। अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध की धमकियों के बावजूद भारत ने ये करार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साझा प्रेस वार्ता में रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया है। भारत और रूस के बीच कुल 8 समझौते हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में BSP के साथ गठबंधन न होने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि वो 2019 के लोकसभा चुनावों में ज्यादा सीटें जीतेंगे। हाल ही में BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने दिया। राजकोट में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी भारत ने 649 रन बनाकर घोषित की। भारत की तरफ से आज कैप्टन विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने शतक जमाए। वहीं बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरे दिन का मैच खत्म होने तक 6 विकेट खो दिए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 2.5 रुपए प्रति लीटर कम करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही MP, UP और गुजरात सरकार ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। इसी के साथ यूपी, MP, गुजरात में पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया है, लेकिन दिल्ली में यूपी के मुकाबले तेल अभी भी महंगा है। शुक्रवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए hindi.firstpost.com के साथ।